गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो, सबसे पहले बारी आती है रेशियो की। रेशियो क्या होता है? तो रेशियो कैसे पढ़ते हो? देखो, आपने लिखा देखा होगा 2:3, 4:5। तो इन रेशियो में आपने एक बात नोट की होगी कि कभी भी एक सिंगल नंबर के साथ रेशियो नहीं होता। रेशियो 2 नंबर 3 नंबर इससे ज़्यादा नंबर्स के लिए होते हैं। तो देखो, अगर एक से ज़्यादा नंबर्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप ये भी देखोगे कि उनमें कंपैरिजन होगा, उनमें तुलना की जाएगी। कि जैसे मान लो राहुल के पास 5 पेन हैं और रोहित के पास 6 पेन है। तो देखो, अगर आप उनको कंपेयर करें तो आप उस तरह कंपेयर कर सकते हैं, उनका तुलना कर सकते हैं कि उन दोनों के पास जो पेन्स का रेशियो हुआ है 5:6। तो देखो, व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन, जब आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हो डिवीजन के द्वारा, तो आप कहेंगे कि एक रेशियो बनता है। जैसे एग्जाम्पल 7:22:5 मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, 5:6 इस तरीके से। तो देखो, जो रेशियो में फर्स्ट टर्म होती है, ध्यान रखनी है आपको, ये आपके MCQs में आ सकता है। फर्स्ट टर्म को आप क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट। उसके बाद बारी आती है प्रोपोर्शन की। देखो, ये चीज़ें हमने कई बार सुनी पर हम इनकी डेफिनेशंस पे नहीं जाते कभी भी। तो देखो, डेफिनेशंस समझें इनकी। प्रोपोर्शन, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन देयर टर्म्स आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। जब दो रेशियोज इक्वल हो जाएं, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था 5:6, एक मैंने रेशियो ले लिया 10:12। तो 10:12 को जब आप सोल्व करोगे तो 10 और 12 कैंसिल आउट होकर 5:6 आएंगे। ये भी 5:6, ये भी 5:6, इसका मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल, और ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल है तो इनको आप क्या कहेंगे, इनके टर्म्स को प्रोपोर्शन कैसे कहेंगे? कि 5:6:10:12 दीज आर इन प्रोपोर्शन। आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखनी, ये नहीं कि आप 5 के बाद 12 लिखे या 6 के बाद 10 लिखे, नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखो, इन्हें प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। पहली और लास्ट टर्म को, यानी जैसे देखो इसमें जो 2, 3, 10 और 15 है, तो 2 और 15 आपके लिए क्या हो गए, आपके लिए इनको आप कहेंगे एक्सट्रीम्स। क्योंकि देखो, एक्सट्रीम्स का मतलब हो गया कि आउटर एज की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसलिए एक्सट्रीम। और 3 और 10 ये बीच में, इसलिए इनको क्या ले लेंगे, मीडियन यानी मीन्स। ठीक है, बीच में है इसलिए मीन्स। तो देखो, प्रोपोर्शन जब होगा तो क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। आप करके देख लो, देखो 2 और 15 की मल्टीप्लाई 30, 3 और 10 की मल्टीप्लाई 30। तो अगर प्रोपोर्शन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में से प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको रेशियो फाइंड करना था 750 ml और 1.5 लीटर का। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेशियो या कंपेरिजन करें तो आपको यूनिट सेम रखनी है। ये नहीं कि आप एक लीटर वैल्यू की कंपेरिजन एक ml वैल्यू के साथ कर दो, या आप एक किलोग्राम वैल्यू की कंपेरिजन आप ग्राम वैल्यू के साथ करो, नहीं, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 750 ml और ये 1.5 लीटर है, तो ज़रूरी है लीटर को ml में बदलना या ml को लीटर में। तो हमने लीटर को ml में बदला, तो एक लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसके बाद आपने कंपेयर कर लिया 750 ml का रेशियो 1500 ml के साथ, और फिर ये रेशियो आ गया। उसके बाद देखो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर 6, 18 एंड 25, इट्स थर्ड टर्म विल बी। तो इसकी तीसरी टर्म क्या होगी? तो जो टर्म नहीं दे रखी उसको x ले लो, 7, 18 और x और 25, आपने ये 4 ले ली। अब देखो, आपने ये पढ़ा है कि प्रोपोर्शन है तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, सेकेंड और थर्ड की मल्टीप्लाई इक्वल होंगे। तो 6 × 25 = x × 18, यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 4, दो नंबर्स के बीच में मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप क्या करेंगे, उन मीन प्रोपोर्शनल के लिए आप उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे, यानी उनको स्क्वेयर में बना लेंगे। देखो, 16 × 4 = 64 आ गया, और 64 किसका स्क्वेयर होता है, 8 का, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। 25, 35 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो हमेशा जो बीच वाली वैल्यू है उसको दो बार लिखेंगे। तो देखो, 25, 35 x है तो इसको कैसे लिखेंगे, 25, 35, 35 एंड x, ये चारों वैल्यूज क्या हो गई, प्रोपोर्शन में है। तो वही कंसेप्ट, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर
फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद देखो रेशियो निकालना है, तो मैंने आपको हमेशा बताया रेशियो में आपको ये ध्यान रखना है यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट वाले में सेम है तो आपने डायरेक्ट अपॉन में लिखकर इनको रेशियो बना लेना है। ऐसे ही 10 मीटर 25 सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और इस तरह आप इसको करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते, देखो मनीषा वर्क इन फैक्ट्री एंड अर्न्स ₹955 पर मंथ, सी सेव्स ₹185 पर मंथ फॉर हर अर्निंग। देखो उसने उसकी अर्निंग क्या है, मतलब उसने कितने रुपए कमाए, 955 पर मंथ, और सेव किए उसने 185, तो उसने स्पेंड कितने किए, 955 में से 185 सब्ट्रैक्ट कर दो 770। तो देखो आपको रेशियो निकालना है, तो जिस जिसके लिए रेशियो निकालना है पहले देखो हर सेविंग है, तो सेविंग कितनी है 185, पहले लिखेंगे सेविंग उसके बाद इनकम 955, दोनों का रेशियो। रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को फ्रैक्शन में करके इनको कट कर देंगे और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में आप हमेशा उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये नहीं कि आपने एज इट इज़ उतना ही छोड़ दिया। उसके बाद इनकम टू हर एक्सपेंडिचर, इनकम 955, एक्सपेंडिचर 770, और उसके बाद रेशियो। इसी तरीके से सेविंग और एक्सपेंडिचर का इस तरह आप कर सकते हैं। देखो फोर्थ है 72% आर वर्किंग इन ऑफिस, आउट ऑफ देम 28 आर मैन एंड द रिमेनिंग आर वुमेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन, मैन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन टू दैट ऑफ वुमेन। देखो टोटल पर्सन है 72, इनमें से 28 मैन है और बाकी वुमेन है, तो देखो 72 में से अगर मैन 28 है तो वुमेन्स कितनी बचेंगी, इज इक्वल टू 44, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद रेशियो निकालना है, तो देखो पहले में मैन टू वुमेन है, मैन कितने हैं 28, वुमेन 44, रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद मैन टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 72, तो 28 रेशियो 72। और उसके बाद थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं कि पर्सन टू दैट ऑफ वुमेन, पर्सन 72 रेशियो वुमेन 44, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे 18 रेशियो 11। फिफ्थ, सुमित अर्न 40,000 एंड पेंड 5,000 एज इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स टू इनकम निकालना है। तो देखो 40,000 उसने कमाए, पे किए कितने इनकम टैक्स 5,000, तो 5,000 रेशियो 40,000, ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट इनकम टू इनकम टैक्स, तो पहले 40,000 लिख देंगे और उसके बाद 5,000। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो पहले है अमाउंट है वो पहले लिखी जानी चाहिए, यानी इनकम टैक्स पहले था तो पहले इनकम टैक्स फिर इनकम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से। सिक्स क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में भी हेल्प करेंगे, काफ़ी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। डिवाइड 1250 बिटवीन अमन एंड अमित इन रेशियो 2:3, तो आपको इनको डिवाइड करना है 2:3 में। तो देखो इसको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, जब भी आपको टोटल मिले तो आप इनके पार्ट्स निकालो। जैसे देखो आपको मान लो 2:3 दे रखा है, तो देखो पहला अमन ने, तो अमन के लिए 2 हिस्सा हो गया, कितने में से टोटल कितना, देखो 2 और 3 का टोटल 5, मल्टीप्लाई कर दो उसको टोटल से, वहाँ से आ जाएगा अमन पार्ट। उसी तरह अमित का पार्ट निकालना, तो अमित देखो 2:3 में अमित का हिस्सा कौन सा है 3, टोटल कितना है 5, मल्टीप्लाई 1250, इस तरह आप सोल्व कर लेंगे। देखो बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:4, इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 550, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 550, आपको बता रखा है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज के लिए नंबर ऑफ बॉयज का पार्ट कितना हो गया 7, टोटल कितने है 7+4 11, वहाँ से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, ऐसे नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:3, ट्रायंगल की तीन साइड्स का रेशियो है 1:2:3, तो एक पार्ट को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, ऐसे ले लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो टोटल कितना होगा 1+2+3 6, तो 1/6 मल्टीप्लाई टोटल दे जो दे रखा है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम, तो वहाँ से सोल्व कर लेंगे 6, 12 और 18। उसके बाद बारी आती है विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर्स, कंपेयर करना है किसी भी रेशियो को कंपेयर करना है। तो देखो हम कोई भी रेशियो या फ्रैक्शन है हम उसको कंपेयर कैसे करते, देखो जैसे 3:4 है, 5:6 है, कंपेयर कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सबसे इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 6, उसके बाद 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 18, 4 × 5 = 20। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो ग्रेटर कौन है 20, तो ऐसे ही आप के लिए बेस्ट कंसेप्ट है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे फर्स्ट पार्ट में 48
और 36 है तो 48 ग्रेटर है, तो कौन सा रेशियो ग्रेटर होगा? जो इस तरफ वाला होगा, जिस तरफ 48 है। 15:16 और 24:25, पहले आप इनको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 375 और 384 आया, तो बड़ा नंबर इस तरफ है, तो इस तरफ वाला रेशियो ग्रेटर होगा। इसी तरीके से आप इनको कर सकते हो। अगेन कंपेयर करना है तो आपके लिए इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन चेक करना है। मैंने क्या तरीका बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 8 और 12 की मल्टीप्लाई और 16 और 6 की। देखो आप रेशियो को ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, दोनों के रेशियो को सॉल्व कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके बाद देखो रेशियो इक्वल है तो ये क्या हो गए, प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन है तो रेशियो को इक्वल कर रखकर आपको अननोन टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे देखो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 55 अपॉन 11, तो यहाँ से 11 से 55 कैंसिल हो गया 5 पे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा x की वैल्यू 30। अगला है सेट अप ऑल द प्रोपोर्शन फ्रॉम द नंबर, आपको सेट अप करने हैं प्रोपोर्शन में जितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो इनके 1 by 1 नंबर्स के रेशियो कर करके देख लो, जैसे 9:155 है, ये आया हमारा 3/50 यानी 3:15, ऐसे इसको कंपेयर करके देख लो, ये भी आया 3/50, दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल है तो प्रोपोर्शन है। ऐसे अगले के लिए चेक करो 150 की जगह अब, और एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो 9:150 प्रोपोर्शन है 1:105 तो उल्टा भी ये एप्लीकेबल होगा। देखो 150:9 भी 1750:105 होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो 9:105 लिया और 150:175 लिया, तो ये भी इक्वल आ गए, तो ये भी प्रोपोर्शन हो जाएंगे। लास्ट देखो द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ऑफ ए स्कूल ग्राउंड ऑफ इट्स विथ इज 5:2, फाइंड इट्स लेंथ इफ द लेंथ इज 40 meters। तो देखो रेशियो दे रखी है लेंथ और ब्रेथ की 5:2, विथ ऑफ स्कूल ग्राउंड कितनी है 40 meters। यहाँ पर आपको टोटल नहीं दिया हुआ, ये ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करें, आप सपोज कर लेंगे, देखो लेंथ का पार्ट क्या है 5, तो उसको 5x ले लिया, विथ का पार्ट क्या है 2, तो उसको 2x ले लिया, ठीक है। इसके बाद देखो आपको पता है विथ कितनी है 40, तो आपने जो 2x लिया इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 40 के, तो 2x = 40, x की वैल्यू 20। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई x की, आपको क्या चाहिए था लेंथ, लेंथ क्या है 5x, यानी x की वैल्यू उसमें 20 रख दो और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।